सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस स्टोर। अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर से ऑल प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज है 8 फरवरी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम गैलेक्टिको कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड के बारे में, जो कि 5.59 पे ट्रेड कर रहा है। और इसमें आज के दिन देखा जाए तो करीब 1 से 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक ने अच्छा खासा 80.70 रुपए का हाई बनाया था, वहां से एक अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। बहुत सारे हमारे यूएस उसी प्राइस के आसपास फंसे, तो क्या स्टॉक वापसी से वहां जाते हुए देखने को मिल सकता है या स्टॉक आपको और गिरते हुए देखने को मिल सकता है, पूरा बताऊंगा आज के इस वीडियो में। उससे पहले व्यूअर्स मैं आपको बता दूं, हमने आपको जिप पावर रिकमेंड किया था 6 रुपए के आसपास। मैंने कहा था आराम से आपको 20 रुपए तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। देख सकते हैं 20 से 22 रुपए के आसपास चले गया आराम से। आप उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो। और मेरा एक ही फंडा मैं आपको हर बार बोलता हूं कि अगर आपका पैसा 3 गुना हो गया तो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, मैं यही करता हूँ। HSCL हिमादी स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड 40 रुपए में रिकमेंड करता, 400 रुपए के आसपास चले गया। वहीं अदबी कैपिटल मैंने आपको 2 रुपए में रिकमेंड करता। मैंने कहा था आपके पास पैसा नहीं तो किसी और से उधार लेके लगा दीजिए, आराम से वहां से आपको डबल होते हुए देखने को मिल सकता है। देख सकते हैं 4 रुपए के आसपास चले गया, 9 रुपए तक भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। कैसे जाएगा मैंने उस पर वीडियो बना रखी, कब आपको बाइक करना है और कब सेल करना है। तो अगर आपने नहीं देखी तो हमारे चैनल में जाकर देख लीजिए। और आप किस शेयर में फंसे तो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें आपको बता दूंगा उसको क्या करना है। और अगर आप किस शेयर में बाई करने की सोचें तो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें पूरी कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। वीडियो नहीं बना पाऊंगा तो कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर से दे दूंगा। पहले एक बार निफ्टी दिखा देता हूं। मैंने कल के दिन जब मैंने वीडियो बनाई थी मैंने कहा था कि निफ्टी में अब आपको तेजी देखने को तो नहीं मिलने वाली है, निफ्टी अब आपको साइडवे या तो फिर एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ व्यूअर्स, मैंने वीडियो बना रखी कल के दिन, हमारे चैनल जाके देख सकते हैं। मैंने कल 3 वीडियो बनाई थी, तीनों वीडियो मैंने आपको कहा था निफ्टी में अच्छा खासा करेक्शन आपको दिख सकता है। तो पहले आप मार्केट समझिए, मार्केट चलता कैसे तभी आपका यहाँ पैसा बनेगा। अगर आप देखें 1 महीने में कोई रिटर्न नहीं, 6 महीने में देखेंगे तो 10 से 11% रिटर्न देखने को मिल रहा है, साल भर में देखेंगे तो 21 से 22% रिटर्न देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं अच्छी खासी तेजी आई थी, यहाँ भी अगर आप देखें सेम पैटर्न बना था, एक अच्छी खासी तेजी आई थी, फिर थोड़ा साइडवे मार्केट दिखा, फिर करेक्शन, फिर एक तेजी, फिर थोड़ा साइडवे देखने को मिलेगा और फिर एक अच्छा खासा करेक्शन भी आ सकता है। निफ्टी आपको 21,000 तक भी जाते हुए देखने को मिल सकता है और फिर से आपको एक तेजी देखने को मिलेगी। इसमें घबराना नहीं है, जो अच्छे अच्छे स्टॉक है उनको आपको होल्ड करना है। और जिनको बाई करने की सोच रहे हैं, जिनको आप पहले बाई नहीं कर पाए, जो अच्छे भाग गए थे, उनको आप बाई कर सकते हैं। लाइक SBI कार्ड, जुबिलेंट फूड, MTAR, HDFC बैंक, कोटक बैंक, रिलायंस, अशोक लीलैंड, जितने भी अच्छे स्टॉक है आपके जो वॉच लिस्ट में होंगे उनको आप आराम से बाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो गैलेक्टिको कॉर्पोरेट सर्विसेज का जो मार्केट कैप देखेंगे आप, 83.3 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही कम है इसके प्राइस के हिसाब से। मैंने इसे पहले वीडियो बनाई थी तब भी मैंने कहा था इसके फंडामेंटल बहुत ही ज्यादा खराब है। पर्सनली मैं इसको आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाई करने की बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा और बाई करने की अभी रिकमेंड नहीं करूंगा। फिलहाल आप इसे दूर रहिएगा। अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो इस तरफ जा सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा उसमें पैसा कैसे बनेगा। तो अगर आप पहले देखें कंपनी का सेल्स, जून 2022 में 5.94 था, जो कि फिलहाल 5.44 हो चुका है दिसंबर 2023 में। तो यहाँ अगर आप देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग ही डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है, प्लस यहाँ कंपनी का सेल्स भी करते हुए देखने को मिल रहा है। मैं आपको होल्डिंग दिखाऊंगा अभी। अगर आप देखें तो कंपनी का सेल्स ही नहीं बढ़ रहा है, जब सेल्स ही नहीं बढ़ रहा है तो प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा। इसी वजह से अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें, 0.92 से घटकर 0.90 हो चुका है, ये भी मुझे बहुत ही खराब लगा है। बैलेंस शीट भी देखेंगे, इक्विटी कैपिटल 5.43 से 14.90 हो चुका है। वहीं अगर आप शेयर होल्डर पैटर्न देखेंगे, प्रमोटर होल्डिंग 51.10 थी, जो कि घटकर 42.29 हो चुकी है दिसंबर 2023 में। तो यहाँ प्रमोटर अपनी होल्डिंग को लगातार डिक्रीज करते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कंपनी का फ्यूचर क्या होगा। यहाँ प्रमोटर को ही विश्वास नहीं कंपनी के ऊपर, पता नहीं आप अपनी होल्डिंग को क्यों बढ़ा रहे हो। 28 से आपने बढ़ा के अपनी होल्डिंग को 28.90 से बढ़ाकर 57.70 कर दी दिसंबर 2023 में, और ये दिसंबर का है। जनवरी फरवरी में और भी बढ़ते देखने को मिल सकता है, और थोड़े दिन बाद आपको 100 भी देखने को मिल सकता है, और सारे पब्लिक आपको इसमें फंसते हुए देखने को मिलेंगे। ना तो FIs की होल्डिंग है फुल इन्वेस्टर की, नहीं DIs की, नहीं गवर्नमेंट की, नहीं किसी अदर की होल्डिंग देखने को मिल रही है। उसका शेयर होल्डर पैटर्न बहुत ही खराब है, फंडामेंटल भी मैंने आपको दिखा दिया बहुत ही खराब है। वहीं अगर आप इसका ROC देखें तो 37.8 का देखने को मिल रहा है, ROE 38.4 का। स्टॉक पीस का ठीक है, पर मैं इसको आपको बाय करने की बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो आप 5 दिन के अंदर स्टॉक 1 से 1.5% गिरा ही है, 1 महीने में देखेंगे 3 से 4% गिरा है, 6 महीने में देखेंगे तो कोई रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। एक अच्छा खासा लो बनाया था और मैंने यहाँ कहा था आपको कि बाई करें, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो मिल जाएगी आपको। पर इसमें पैसा लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं कि वापस 80 पे जाएगा, 90 पे जाएगा, तो ऐसा नहीं जाने वाला आपको। ऐसा अभी तो जाते देखने को नहीं मिलेगा, 2024 में भी नहीं, ना ही 2025 के अंदर। मैं आपको सही बता रहा हूँ व्यूअर्स, आप ऐसा सोच के इसको बाई मत करिए, कोई मतलब नहीं बनता। बहुत ही अच्छे स्टॉक है जो अच्छे प्राइस पे देखने को मिल रहे हैं, जिनको आप बाई कर सकते हैं आराम से, वो आपको 2 साल के अंदर डबल होते हुए देखने को मिल सकते हैं, 4 गुना होते हुए देखने को, 5 गुना होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो उनकी तरफ जाइए, इससे फिलहाल आप दूर रहिए। फिर भी अगर आप इसको बाय करने की सोच रहे हैं अपने लिए जरूर कर लीजिएगा। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।